हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन अनदर सेशन ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डबल कॉलम कैश बुक यानी कि टू कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स या पॉइंट्स बताए थे डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो जरूर चेक की होगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर मिलेगा। जरूर पहले उन पॉइंट्स को क्लियर कीजिए क्योंकि आज हम उन्हीं पॉइंट्स में, मैंने जो दो पॉइंट्स आपको कहा था कि अभी मैंने पेंडिंग रखे हैं, वो दो पेंडिंग पॉइंट्स को मैं कंप्लीट करवाकर देन उसके बाद मैं आज आपके साथ इस डबल कॉलम कैशबुक के प्रैक्टिकल्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखते हैं जल्दी से कि वो दो पॉइंट्स कौन से थे जो मैंने पेंडिंग छोड़े थे। देखिए, एक पॉइंट है कि अगर हमें कोई चेक रिसीव हुआ हो किसी कस्टमर से और अगर वो चेक डिसऑनर हो जाए। अब डिसऑनर का मतलब क्या है? देखो, डिसऑनर वर्ड से शायद आप फेमिलियर नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं बाउंस वर्ड सुना हो कि चेक बाउंस हो गया। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड चेक काट कर दे देता है, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी को पेमेंट कर देता है, लेकिन उसके खाते में पैसे नहीं होते हैं। मतलब जब आपने चेक काट कर दे दिया कि मेरे खाते में से लेट सपोज 1 लाख की पेमेंट इसको कर दो, लेकिन आपके खाते में पैसे होना, तो उस केस में क्या होता है कि आपके द्वारा इशू हुआ चेक जो है वो बाउंस हो जाता है, यानी कि वो डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, तो इसी का मतलब यहां पर है कि जब आपको कोई चेक रिसीव हो किसी कस्टमर से, मान लो ए था, ए को बी से चेक रिसीव हुआ, लेकिन वो चेक जो बी ने दिया था वो क्या हो गया? बाउंस हो गया, यानी कि डिसऑनर हो गया। तो उस केस में क्या होगा? देन इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम। देखो, जब ए से हमें चेक, सॉरी, जब ए को बी से चेक मिला था तो उसने क्या किया? क्योंकि चेक मिला और लेट सपोज साथ की साथ उसने डिपॉजिट भी करवा दिया, तो उसने अपने बैंक बैलेंस को डेबिट कर लिया था। क्यों? क्योंकि बैंक उस वक्त रिसीवर ऑफ चेक बन गया था। लेकिन अब क्या होगा? अब हमने उसी का उल्टा कंसेप्ट कर देना है, तो इसलिए इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? इसे बैंक कॉलम, जो कि कैश बुक की क्रेडिट साइड वाला होगा, उसके क्रेडिट साइड पर हम इस ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगी कि इसे किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। वैसे तो बताने को अभी बता दूं, लेकिन हम प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा नोट है। हमने बैंक चार्जेस पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जिसका आप हाईलाइट यहां पर भी आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो। अब यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहां हल्का सा डिफरेंस है कि अगर किसी ऐसे चेक जो कि डिसऑनर हो गया हो उसके रिलेटेड आपको कोई एक्सपेंसेस दिए हुए हो या बैंक चार्जेस दिए हुए हो, तो क्या होता है? तो होता है कि जो अर्लियर अमाउंट थी, लेट सपोज मान लो बी ने हमें 10,000 रुपीज का चेक दिया था और अब बैंक ने जो चेक डिसऑनर कर दिया, मान लो उस पर जो एक्सपेंसेस चार्ज किए गए यानी कि बैंक चार्जेस चार्ज किए गए लेट सपोज 100 हैं, तो अब क्या होगा? अब हमने क्या करना है, जिस वक्त हमने ये डिसऑनर वाली एंट्री पास करनी है, एंट्री कौन सी साइड पर पास करनी है वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्रेडिट साइड में। तो जब हम अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, तब उस वक्त अगर हमें साथ में बैंक चार्जेस भी दिए हुए हों तो वो ऐड हो जाएंगे। मतलब हमारी जो एंट्री होगी क्रेडिट साइड पर वो 10,000 से नहीं होगी, वो 10,000 में 100 जो बैंक चार्जेस हैं डिसऑनर वाले वो भी साथ में ऐड हो जाएंगे। तो एक्सपेंसेस चार्ज बाय दी बैंक ऑन डिसऑनर्ड चेक्स आर एडेड इन टू दी प्रिंसिपल अमाउंट और बेसिक अमाउंट ऑफ दी चेक डिसऑनर्ड। मुझे उम्मीद है कि ये दो पॉइंट्स जो पेंडिंग थे वो आपको जरूर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और जो बाकी के अर्लियर पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने लास्ट वीडियो में आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाया था, वो भी आपको पक्का पूरे के पूरे क्लियर होंगे। आज हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए कि किस तरह से ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अप्लाई किए जाएंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8A पार्ट, विच इज ऑन
पेज नंबर 11.49 अकॉर्डिंग टू माय बुक। और मेरी बुक कौन सी है वो अर्लियर भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि मेरे पास जो बुक है वो हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड है, लेकिन उसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी बहुत ही अच्छे तरीके से रेफर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, करने का तरीका एक ही तरीके का है। तो इसलिए ये हम डिस्कस करेंगे जो आज का क्वेश्चन, उसके लिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो काइंडली जरूर इसे नोट कीजिए, और अगर बुक है तो वेल एंड गुड, आप वहां से भी इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से रेफर कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। एंटर दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन दी कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो आपको पता चल गया कि डबल कॉलम कैश बुक हमने बनानी है। 1 अप्रैल 2020 को हमें सबसे पहला जो दिया हुआ है वो बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड और बैंक का। अब देखो आपको कुछ नहीं लिखा हुआ कि बैंक का बैलेंस, देखो कैश का तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको बताया गया है कि कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होगा, तो इसलिए ये तो टू वाली साइड पर ही उतरेगा। लेकिन बैंक के रिगार्डिंग आपको चेक करना पड़ता है क्योंकि कई बार ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी दिया हुआ होता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो हम मानकर चलेंगे कि ये भी हमारा डेबिट वाला बैलेंस है, तो दोनों को ही हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतारेंगे। तो देखते हैं जल्दी से कि इसे किस तरह से नोट किया गया है। देखिए कुछ इस तरह से हम लाइनअप करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। ये फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। और ये देखिए 1 अप्रैल को हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना कैश का था वो कैश वाले कॉलम में आ जाएगा, जितना बैंक का था वो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम माधव ₹1800। अब देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम माधव, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू माधव अकाउंट। तो किसकी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है हमने, कैश की, तो इसका मतलब कैश की डेबिट साइड पर लिखा क्या जाएगा, टू माधव अकाउंट। तो देखिए 3 अप्रैल डेट कॉलम में लिखा जाएगा टू माधव्स अकाउंट, और कैश में क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो 1800 कैश की डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 5 अप्रैल को कैश सेल्स, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो बिल्कुल उसी की तरह ही है ना, सिमिलर है ना, जो अभी अभी हमने माधव के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, बिल्कुल यहां पर इसी तरह से इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। फिर से एक बार मैं वंस अगेन रिपीट करना चाहूंगी गाइज, आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत ही शार्प हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आती हैं, तो पोस्टिंग बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो कि मैं इस बार आपको यहीं पर ही सीधा रफ में दिखा रही हूं जर्नल एंट्रीज बनाकर, मैंने डायरेक्ट पोस्टिंग ही की हुई है। हमें कैश बुक अगर आती है तो हमें डायरेक्ट पोस्टिंग ही करनी है, हमें जर्नल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कैश बुक बनानी आती है तो हमें कैश बुक के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए ये जो जर्नल एंट्रीज हैं वो एक तरीके से आपके वर्किंग नोट्स का काम कर रही है। तो देखिए 5 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट, और क्योंकि ये भी कैश से ही जुड़ी हुई थी तो कैश कॉलम में ये पोस्टिंग हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर रहने वाली है क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट इज परचेजेस बाय चेक। हमने परचेजेस की हैं इस बार और हमें पता है कि परचेजेस डेबिट होती हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट चेक के जरिए, इसका मतलब हमने किसके थ्रू पेमेंट की है, बैंक के थ्रू, पैसे देने वाला बैंक गिवर है, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस बार क्रेडिट हो रहा है तो इस बार क्रेडिट साइड पर नोट होगा और लिखा क्या जाएगा, बाय परचेजेस। तो देखिए 6 अप्रैल क्रेडिट साइड, मैंने यहां डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, वो भी लिख देंगे डेबिट एंड क्रेडिट, तो बाय परचेजेस और बैंक कॉलम में ये अमाउंट नोट कर दी जाएगी। अब देखिए अब है पेड इनटू बैंक, देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमने बैंक में पैसा जमा करवा दिया तो बैंक रिसीवर बन गया क्योंकि बैंक पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने क्या जमा करवाया, ऑब्वियसली है कि हमने
कैश डिपॉजिट करवाया है। अब बहुत ही ध्यान से, जो थ्रेटिकल कंसेप्ट्स मैंने आपको करवाए थे उसमें मैंने आपको एक कॉन्ट्रा एंट्री नाम का कंसेप्ट करवाया था, आपको बताया था जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होते हों ऐसी एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। तो देखते हैं अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। देखो अब इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी। एक बार हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश अकाउंट जब यहां लिखा हुआ आएगा तो याद रखना कि जो नाम यहां लिखा हुआ आया है उसके ही कॉलम में अमाउंट नहीं आती है। तो कैश अगर यहां लिखा हुआ आया तो यहां बैंक में पैसा आएगा। कई बार गलती से क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में कैश में ही लिख देते हैं, या जो यहां लिखा हो उसी के अकाउंट में उसी के कॉलम में हम पैसा लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो याद क्या रखना है कि जो यहां नाम आया है उसी कॉलम में पैसा नहीं लिखा जाएगा, अमाउंट नहीं लिखी जाएगी। तो यहां आया बैंक की डेबिट साइड पर टू कैश, और क्रेडिट साइड पर अब हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लिखेंगे, कैश की क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ये जो कॉन्ट्रा एंट्री होगी वो डेबिट साइड पर भी पोस्ट हो जाएगी, ठीक है, और क्रेडिट साइड पर भी पोस्ट हो जाएगी। और एक चीज अब नई याद रखनी है, जब कॉन्ट्रा एंट्रीज हो तो लेजर फोलियो वाले कॉलम में, अब देखो अब तक मैंने आपको क्या कहा था कि लेजर फोलियो में आना कुछ नहीं है, लेकिन अब हम एक नई चीज सीखेंगे कि जब कॉन्ट्रा एंट्रीज हो तो हमने सी लिख देना है लेजर फोलियो में, ताकि हमें ये डिनोट हो जाए, ये पता चल जाए कि दीज आर कॉन्ट्रा एंट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज पेड कैश फॉर फ्रेट। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट का मतलब होता है किराया, एक तरीके का किराया हमारा एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रेट को डेबिट कर लेंगे और हम देखेंगे कि ये पेमेंट किस मोड में हो रही है, ये कैश के जरिए हो रही है, तो इसका मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगाते हुए कैश क्रेडिट हो जाएगा। याद रखना कैश पर रियल अकाउंट का रूल लगाना है, बैंक पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। इस पर लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है डेबिट कर लो, जो जा रहा है क्रेडिट कर लो। इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो प्राप्त करता है मिल रहा है जिसको उसको डेबिट करना है, और जो देने वाला है उसे हमने क्रेडिट करना है। अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग। टू कैश लिखा हुआ आया था ना, तो इसलिए देखो कैश की क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, 10th अप्रैल बाय फ्रेट, और ये देखो कैश वाले कॉलम में ₹54 लिखा हुआ आ जाएगा। एक और अच्छी चीज आप कर सकते हो, मैंने यहां साथ में ₹ नहीं लिखा ना, आप यहां पर कैश के ऊपर बैंक के ऊपर इस तरह का वो रूपीज वाला सिंबल, करेंसी सिंबल यूज कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब ऑफिस यूज लिखा हुआ आया है तो उसका मतलब है बैंक में से पैसा निकलकर हमारे हाथों में आ रहा है, तो इसका मतलब बैंक देने वाला है। जब बैंक देने वाला हो तो बैंक को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कैश हमारे हाथों में आ रहा है, आने वाले को हमने क्या करना है, डेबिट कर देना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसकी पोस्टिंग अब फिर से देखो, कैश और बैंक दोनों है तो ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो यू कैन सी कि मैंने डेबिट साइड पर भी 12th अप्रैल की एक एंट्री की है, और मैंने क्रेडिट साइड पर भी 12 अप्रैल की एक एंट्री की है। एक बार मैंने की है कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने की थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक कर कैश में आ गया, बैंक में ही नहीं आएगा क्योंकि यहां बैंक लिखा हुआ है, आपको अभी अभी समझाया है, जो यहां लिखा हुआ हो उसी के कॉलम में पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 12th अप्रैल की क्रेडिट साइड वाली एंट्री देखूं तो टू बैंक हुआ था, तो बैंक की क्रेडिट साइड पर बाय कैश और बैंक में पैसा लिखा हुआ आ जाएगा। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि हमें लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा का सी लिखना है। नेक्स्ट इशू डे चेक,
इन फेवर ऑफ मेसर्स अरुण एंड सन्स फॉर ₹9,85। हमने चेक इशू किया है, किसको दिया है चेक काटकर? मेसर्स अरुण एंड सन्स को। तो इसका मतलब हमारा बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है, गिवर है। मेसर्स अरुण एंड सन्स को तो पैसे मिल रहे हैं क्योंकि ये पर्सन है ना, इस पर हम पर्सन का रूल लगाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? मेसर्स अरुण एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखते हैं अब इसकी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग किस तरह से हो। क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा था तो देखो क्रेडिट साइड पर 13th अप्रैल डेट कॉलम में लिखा गया है, बाय मेसर्स अरुण एंड सन्स अकाउंट लिखा गया है एंड बैंक कॉलम में अमाउंट क्रेडिट कर दी गई है। अब देखिए पेड इनटू बैंक, देखो 9th अप्रैल को भी हमने ऐसी ही एंट्री की थी, कॉन्ट्रा एंट्री बनी थी, बिल्कुल इसी तरीके से ये 16th अप्रैल वाली एंट्री भी बन जाएगी। पेड इनटू बैंक यानी कि बैंक रिसीवर है और कैश गोज आउट है, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग। एक बार 16 अप्रैल डेबिट साइड पर टू कैश बैंक में पैसा आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से एक बार 16 अप्रैल क्रेडिट साइड पर बाय बैंक लिखकर हम कैश में पैसा लिख देंगे और लेजर फोलियो में दिस इज सी फॉर कॉन्ट्रा लिख दिया जाएगा। अब देखिए 17 अप्रैल की क्या है, ड्र्यू कैश, ड्र्यू का मतलब होता है विड्र्यू करना, मतलब निकलवाना, ड्र्यू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी ₹175। अब देखो बेटे की बर्थडे पार्टी है तो वो क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है ना एक तरीके का, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के कंसेप्ट में समझा हुआ है कि ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी प्रोपराइटर कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस में से कुछ निकलवाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक में से पैसा निकलवाना हो, तो उसे ड्रॉइंग्स बोला जाता है। इवन अगर वो गुड्स भी यूज करता है तो उसे भी हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। यहां पर हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये कैश निकलवाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या गोज आउट है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो एक चीज और याद रखना, जैसे मैंने आपको कैपिटल के केस में कहा था कि कैपिटल पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, ड्रॉइंग्स पर भी इसी तरीके से लगेगा। जिसने ये ड्रॉइंग्स की हैं वो कोई इंडिविजुअल है ना, वो कोई पर्सन है, तो इसलिए ड्रॉइंग्स पर भी पर्सनल अकाउंट का रूल ही लगता होता है क्योंकि उस पर्सन को ये रिसीव हो गया पैसा, इसलिए हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते होते हैं। इसको ऐसे नहीं मानना कि ये बिजनेस का नुकसान है तो इसलिए इसको डेबिट कर दो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाकर, नो, इस पर भी पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होता है। ड्रॉइंग्स अगर कोई प्रोपराइटर करता है तो उसे वो मिलती हैं, इसलिए डेबिट द रिसीवर के हिसाब से ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएंगी। तो देखो क्रेडिट साइड पर 17 अप्रैल बाय ड्रॉइंग्स, और क्योंकि उसने कैश निकलवाया था तो हम कैश वाले कॉलम में 175 लिख देंगे। 19 अप्रैल रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नवीन फॉर ₹380 एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। जब सेम डे डिपॉजिट करवा दिया गया हो तो हमने क्या सीखा था, सीधा बैंक के कॉलम में ही हम ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते होते हैं। चेक हमें रिसीव हुआ है तो इसका मतलब हम इसकी जर्नल एंट्री अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, नवीन, नवीन पर्सन है ना, तो पर्सन पर कौन सा रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, नवीन गिवर है देने वाला है तो इसलिए हम यहां पर उसे क्रेडिट कर देंगे। तो देखो डेबिट साइड, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट था तो 19 अप्रैल को हम डेबिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे टू नवीन अकाउंट, और देखो बैंक वाले कॉलम में ₹380 आ जाएंगे। अब देखिए 20 अप्रैल को फिर से कैश सेल्स है, जैसे हमने 5 अप्रैल को की थी, तो हमने क्या पोस्टिंग की थी, याद कीजिए हमने किया था पहले जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हमने क्या किया था, कैश की डेबिट साइड पर टू सेल। तो देखो कुछ इस तरह से इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, 20 अप्रैल टू सेल्स और कैश वाला, आपको पता है कि ये वाला कॉलम कैश वाला है तो कैश की डेबिट साइड पर ये 200 लिखा हुआ आ जाएगा।
अब देखो बिल्कुल ही इसी तरीके से हमने 12th अप्रैल को भी की थी ना, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 600, तो बिल्कुल ही इसी तरीके से ये है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो मुझे नहीं लगता कि अब फिर से दोबारा से आपको समझाने की जरूरत है। इस बार कैश हमारे हाथों में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फिर से ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो देखो एक बार हम लिखेंगे 25th अप्रैल डेबिट साइड पर टू बैंक और कैश हाथों में आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है लेजर फोलियो में सी लिखा जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसी एंट्री को क्रेडिट साइड पर भी पोस्ट करेंगे तो बाय कैश, और इस बार बैंक वाली साइड पर आएगा, ये बैंक वाले कॉलम में आएगा और सी फॉर कॉन्ट्रा लेजर फोलियो में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान, हमने फर्नीचर परचेज किया है, मतलब हमने कोई भी कुर्सी टेबल या कुछ भी मतलब फर्नीचर परचेज किया है, और पेमेंट कौन से मोड से हो रही है, चेक के थ्रू, यानी कि बैंक है जो हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है। तो फर्नीचर हमारी एसेट होती है, और आपको पता है कि क्या करते होते हैं, एसेट जब खरीदी जाती है तो उस पर रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक, क्योंकि बैंक यहां पर गिवर बन जाएगा। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि बैंक क्रेडिट हुआ है तो देखो क्रेडिट साइड पर 26th अप्रैल बाय फर्नीचर और बैंक वाले कॉलम में 1000 रुपीज लिखा हुआ आ जाएगा। जो मैंने आज आपको थ्रेटिकल कंसेप्ट करवाया है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। नवीन का जो चेक है, अब नवीन का चेक कौन सा था, देखो 19th अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन ध्यान से, नवीन का चेक मिला था हमें 380 रुपीज का, वो चेक डिसऑनर हो गया है और बैंक चार्जेस भी हमें दिए हुए हैं। और मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया है कि उसी प्रिंसिपल अमाउंट में हमने जोड़ देना है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसे, इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो जब हमें नवीन से चेक मिला था और सेम डे हमने डिपॉजिट करवा दिया था, तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट। हम पैसे किससे रिसीव करते हैं, हम पैसे अपने डेटर्स से रिसीव करते हैं, जो हमारे डेटर्स हों हम उन्हीं से वसूली करते हैं ना। और डेटर्स कब बनते हैं, जब हमने क्रेडिट पर उन्हें कुछ सेल किया हुआ हो। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब ऐसा कंसेप्ट आया है कि जब जिस डेटर ने मुझे चेक काट कर दिया था उसका वो चेक डिसऑनर हो गया। अब अगर चेक डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उसे कहूंगी नहीं कि भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। तो अब क्या होगा, हम दोबारा से नवीन को डेबिट कर अपना डेटर बना लेंगे, या दूसरे कंसेप्ट से समझो, हम ये चेक नवीन को देंगे कि नवीन ये लो तुम्हारा चेक, ये चेक डिसऑनर हो गया है और मुझे इस पर 5 रुपए एक्स्ट्रा बैंक को पे भी करने पड़े हैं, बैंक चार्जेस भी पे करने पड़े हैं। तो अब क्या होगा, जब नवीन का ये चेक हम नवीन को वापस देंगे, अब नवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, नवीन एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट दी रिसीवर, चेक जो डिसऑनर हुआ उसको रिसीव करने वाला कौन बना, नवीन बना ना। तो नवीन अकाउंट डेबिट, या तो ऐसे समझ लो जैसे मैंने अब समझाया है, या जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले वो डेटर था, हमें उसने पैसे दे दिए तो वो क्रेडिट होकर उसका नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया था, या अब उसे दोबारा से डेबिट कर अपना डेटर बना लो। ऐसे समझ में आता है तो ऐसे समझ लो, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाकर समझ में आता है तो वैसे समझ लो, दोनों तरीकों से ही हम नवीन को ही डेबिट करेंगे। तो नवीन अकाउंट डेबिट टू, अब देखो बहुत ही ध्यान से, जब बैंक में पैसा आ रहा था तो बैंक रिसीवर बन रहा था, हम बैंक को डेबिट कर रहे थे। अब क्या होगा, अब बैंक गिवर है, बैंक वो चेक हमें वापस देने वाला है, तो इसलिए बैंक यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा रूल, देखो बहुत ही आसान से तरीके से ना, मैं आपको ये भी कह सकती थी कि इस एंट्री को उल्टा कर दो, लेकिन हमें हर एक कंसेप्ट का लॉजिक भी पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया है। बस आपने याद क्या रखना है कि ये बैंक चार्जेस भी साथ में ऐड होंगे, तो इस बार जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, वो 380 नहीं, वो 385 आएगी। तो देखो 27th अप्रैल बाय नवीन अकाउंट और 385 देखो मैंने बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट किया है। अब देखिए सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है,
परचेज्ड बिजनेस प्रीमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक। देखो बिजनेस प्रीमिसेस हमारी एसेट होती है, एक तरीके से हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली है, हम इस तरह से भी इसे मान सकते हैं। पेमेंट हमने कैसे की है, चेक के थ्रू। जब फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर हमारा एक फिक्स्ड एसेट था और हमने क्या किया था, फर्नीचर को डेबिट कर लिया था। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ करेंगे, हम प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट करेंगे और पेमेंट हमने जैसे उसमें चेक के थ्रू की थी तो बैंक को क्रेडिट कर दिया था, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर क्रेडिट हो जाएगा तो 29th अप्रैल क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आएगा, बाय प्रीमिसेस लिखेंगे और बैंक वाले कॉलम में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। नाउ लास्ट, रिसीव हुआ है हमें एक चेक 675 रुपीज का हरीश से। तो इस बार क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ है। जब कुछ ना दिया हुआ हो तो ये माना जाता है कि सेम डे डिपॉजिट करवा दिया गया है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, बैंक रिसीव कर लेगा चेक को, हरीश देने वाला है तो इसलिए वो क्रेडिट द गिवर का रूल लगा लेगा। अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग। एंड वन थिंग मोर, प्लीज ये आंसर नोट कर लीजिए क्योंकि अब हमारी ट्रांजेक्शन्स कम्प्लीट हो गई हैं। अब हमने यही देखना है कि जो भी हम कैलकुलेशन अब करेंगे, बैलेंसिंग जो अब कैलकुलेट करेंगे, तो ये बैलेंसेस हमारे पास आ रहे हैं या नहीं। याद रखना कैश का तो हमेशा ही क्रेडिट वाली साइड पर निकलेगा, क्योंकि अगर वो क्रेडिट में निकलेगा तो क्रॉस होकर वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन बैंक का किसी भी साइड पर निकल सकता है। और अब आपको क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो अब मैं आपको समझाऊंगी भी कि ये ओवरड्राफ्ट क्यों बनेगा। देखिए सबसे पहले 30th अप्रैल टू हरीश, क्योंकि हरीश से हमें चेक मिला था और ये देखो हमने बैंक वाले कॉलम में इसे शो कर दिया। ठीक है, अब यहां तक हमारी सारी की सारी एंट्रीज जो थी वो पोस्ट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो हम कैश कैश वाले कॉलम्स की सेटलमेंट करेंगे। तो करना क्या है, कैश के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपने डेबिट साइड वाले कैश का टोटल लगाना है जो कि 5800 आ रहा है, आपने इसमें से क्रेडिट साइड वाली आइटम्स को लेस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस बच रहा है 3006 रुपीज, वो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी जिसे आप बैलेंस कैरिड डाउन बोलोगे। और क्योंकि ये बाय वाली साइड है तो आगे वर्ड बाय लिख दिया जाएगा। ये ट्रांजैक्शन करनी कब है, ये ट्रांजैक्शन जिस मंथ की कैश बुक आप बना रहे हो लास्ट डेट को करनी है। अप्रैल में 30 डेज ही होते हैं, तो ये 30th अप्रैल को बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, ये किसका निकला है, कैश का, गलती से बैंक में मत लिख लेना, तो कैश में हम ये बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, वैसे मैंने एक बार पहले भी शायद ये आपको बताया हुआ है, जो बैलेंस हमारा जिस साइड पर निकलता है उसे क्रॉस उतारा जाता है, अगर इस साइड है तो वो इधर उतरेगा, अगर वो इस साइड है क्रेडिट में है तो वो डेबिट में उतरेगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब ये अप्रैल के बाद 1 मई को नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में जब उतरेगा आगे, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन का क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। देखो हम जब शुरू करते हैं तो ब्रॉड डाउन लिखते होते हैं ना, तो इस तरह से ये कैरेट डाउन ऑटोमेटिकली ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रूव होता है कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि 3006 अब डेबिट वाली साइड पर उतरा है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही बैंक का जो हमें कॉलम दिए हुए हैं डेबिट वाले और क्रेडिट वाले, हमने इनकी बैलेंसिंग करनी है। अब अगर मैं दोनों साइड्स को रफ में एक बार टोटल लगाकर देखूंगी तो जो मेरी क्रेडिट साइड है ना उसका टोटल ज्यादा आएगा, तो 15915 मेरे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आई, और जब मैं इसको डेबिट वाली साइड को इसको लेस कर दूंगी तो मेरे पास 295 बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर निकल रही है, किसकी, बैंक की। गलती से कैश वाले में मत लिख देना क्योंकि कैश की बैलेंसिंग फिगर कभी भी इस साइड पर नहीं आएगी।
अब यहां से आपको क्लियर होता है, क्योंकि आप जब इस कैरेट डाउन को क्रॉस उतारोगे तो देखो बैंक का डेबिट की बजाय कौन सी वाली साइड पर बैलेंस उतर रहा है, क्रेडिट वाली साइड पर। दैट इज वाई दिस इज बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसमें स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। देखिए इसी पेज पर हमने एट्थ का बी पार्ट अब करना है, जो फिर से आपको लिखा हुआ है कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स आपने बनाना है। और आप बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको 1 जून कैश इन हैंड दे रखा है और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि ये कौन से वाला बैलेंस होता है। तो ये तो कैश इन हैंड है, ये डेबिट वाला बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतर जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा। मतलब इसका तो पॉजिटिव बैलेंस है और इसका एक तरीके से नेगेटिव बैलेंस है, जिसको हम अकाउंटिंग की फॉर्म में क्रेडिट बैलेंस बोल देंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम भारती। अब इसके बारे में पहले ही डिसीजन लेने से पहले एक बार नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको लिखा हुआ है जो 7 तारीख को हमें चेक मिला था भारती से। पहली बात तो ये, आपने कभी भी कोई भी क्वेश्चन जब पेपर में आता है या टेस्ट में आता है, नॉर्मली अटेम्प्ट करते हो तो सीधा नहीं अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, आपने पहले सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ना है। क्योंकि कई बार इस तरह की लाइन, ये तो बाई चांस नेक्स्ट ही लिखी हुई है, कई बार इस तरह की जो लाइन है डिपॉजिट वगैरह करवाने वाली, वो आपको 2 एंट्रीज छोड़कर भी दी हुई हो सकती है, तो इसलिए आपने पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अब देखिए 9 जून को आपने ये 7 जून वाला चेक बैंक में जमा करवाया है, तो सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ ना, तो देखते हैं कि इन दोनों की, इन तीनों की जो मैंने अभी तक आपको समझाई है, उसकी पोस्टिंग किस तरह से कैश बुक में की जाएगी। याद रखना, मैंने थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझाया था कि जब चेक साथ की साथ बैंक में जमा नहीं करवाया जाता तो आप उसे फर्स्ट टाइम कैश में रिकॉर्ड करते हो, और जब जमा करवाते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री पास की जाती है। अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग। तो देखो सबसे पहले 1 जून टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश वाला डेबिट में आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से 1 जून बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक वाला क्रेडिट में आ गया। फिर देखो 7 जून को मुझे भारती से चेक मिला था तो मैंने टू भारतीज अकाउंट लिख दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये चेक साथ की साथ जमा नहीं करवाया गया था तो मैंने इसे बैंक में नहीं, मैंने इसे एक बार कैश में ही लिखना है। फिर उसके बाद जब 9 जून को इसे जमा करवाया गया है तो देखो दोनों साइड पर एंट्री आई है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैंक में पैसा जमा करवाने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू कैश। तो इसकी पोस्टिंग कर दो, बैंक में डेबिट टू कैश यहां लिखा हुआ आ गया, कैश क्रेडिट है तो कैश की क्रेडिट साइड पर बाय बैंक लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो में सी लिख देना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है, पेड टू भावना बाय चेक। हमें भावना का नाम पहले आया नहीं है तो मतलब हमने भावना को पेमेंट की है चेक के थ्रू, 2425। तो इसका मतलब क्या होगा, भावना रिसीव कर रही है और बैंक हमारे बिहाफ पर गिवर है। तो देखते हैं इसकी पोस्टिंग, 12 जून बाय भावनाज अकाउंट, ये देखिए बैंक में 2425 क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। 15 जून भारतीज चेक रिटर्न्ड डिसऑनर। अब भारती से जो चेक मिला था 7 को, जिसे 9 को जमा करवाया गया था, भाई वो तो डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब अमाउंट तो हमें पता है क्योंकि अमाउंट वही है ऊपर वाली, एक बार पेज टर्न कर देख लेते हैं कि कहीं इनमें कोई चार्जेस तो नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो अलग दे रखी है। तो इसका मतलब इस बार जो भारती वाला चेक है सिर्फ उसका डिसऑनर का पॉइंट है,
हमने एंट्री उल्टी करनी है जैसे मैंने नवीन वाली आपको समझाई थी, लेकिन कोई भी बैंक चार्जेस हमें नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए क्या एंट्री होगी, 15 जून को हम बाय भारतीज अकाउंट कर देंगे। जब भारती से चेक मिला था तो हमने क्या किया था, पहले तो कैश अकाउंट डेबिट किया था, लेकिन देखो बाद में बैंक ही डेबिट हो गया है ना एक तरीके से, क्योंकि ये कैश एक बार डेबिट हुआ फिर एक बार यहाँ क्रेडिट हुआ तो उसका नेट इफेक्ट तो कैंसिल हो ही गया है, सीधा बैंक में ही पैसा आ गया है। अब यहाँ पर देखो, अब दोबारा से भारती हमारा क्या, हमारी क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, भारती अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसलिए बैंक की क्रेडिट साइड पर बाय भारती लिखा हुआ आ जाएगा और अमाउंट हम यहां से ही उठा लेंगे। ये मत सोचना कि अमाउंट तो दी नहीं हुई तो अमाउंट कौन सी आएगी, अमाउंट वही रहेगी जो ओरिजिनल हमें पहले बता रखी थी। अब देखिए 20th जून को एंट्री है withdrew from bank for office use, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये समझाने की जरूरत है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको दो तीन बार बता दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये withdrew for office use के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री है ये, ठीक है कॉन्ट्रा एंट्री है। देन क्या करेंगे, एक बार 20th जून डेबिट साइड पर टू बैंक और कैश में लिखा हुआ आ जाएगा, कॉन्ट्रा सी लिख देना है, फिर एक बार 20th जून क्रेडिट साइड पर बाय कैश कॉन्ट्रा लिख देना है एंड बैंक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेक रिसीव हुआ है हमें फ्रॉम पन्ना लाल और हमने उसे एंड्रॉस कर दिया है कमल को, कब एंड्रॉस किया है, 28th जून को, सेम डे नहीं है अलग है, 25th को रिसीव हुआ है और 28th को हमने एंड्रॉस कर दिया। तो देखो क्या जो चेक हमें पन्ना लाल से रिसीव हुआ था हमने उसे बैंक में जमा करवाया, हमने उसे बैंक में जमा नहीं करवाया। तो जब इस तरह का एंड्रॉसमेंट का कंसेप्ट होता है, हमने थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, तब बैंक में लेकर ही नहीं जाते हम उस अमाउंट को, तब कैश की फॉर्म में ही वो डेबिट हो जाता है और कैश की फॉर्म में ही वो क्रेडिट हो जाता है। लेकिन याद रखना डेट्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग डेट्स को ये एंट्रीज पास करनी है, अमाउंट हमें 1200 बता रखा है। तो देखिए एक बार तो जब पन्ना लाल से हमें चेक रिसीव होगा तो हम 25th जून डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसे, लेकिन याद रखना बैंक में नहीं, इसे कैश में ही रखना है क्योंकि सेम डे हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब 28th जून को इसे एंड्रॉस कर देना है तो ये क्रेडिट हो जाएगा बाय कमल्स अकाउंट। अब फिर से याद रखना इसे बैंक में नहीं क्रेडिट करना है क्योंकि हमने इसे कैश की फॉर्म में ही रिकॉर्ड किया था, तो ये कैश की फॉर्म से ही बाहर निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट इज 30th जून इनकम टैक्स पेड बाय चेक। अब देखो याद रखना, अभी से ही याद रख लो, आपको यहाँ हिंट में भी बता रखा है, इनकम टैक्स जो है वो किसी इंडिविजुअल की पर्सनल कितनी इनकम है उस पर लगता है, तो इसलिए ये जो इनकम टैक्स है वो एक प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो इसे हम ड्रॉइंग्स की फॉर्म में ट्रीट करेंगे। तो आपने इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करना, आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना है। तो देखते हैं अब इसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी। नेक्स्ट भी मैं आपको कहूंगी कि आप अभी देख लीजिए क्योंकि बहुत ही आसान है, बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने चार्ज किए हैं और आपको बैंक चार्जेस की एंट्री क्या बताई हुई है मैंने, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखते हैं कि इन दोनों ट्रांजेक्शन्स की कैश बुक में पोस्टिंग कैसे होगी एंड वंस अगेन देख लीजिए कि आपको आंसर हिंट में कितना बता रखा है। देखिए 30th जून हम सबसे पहले बाय ड्रॉइंग्स यानी कि क्रेडिट वाली साइड पर नोट करेंगे और क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की गई है तो ये बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 30th जून को ही बैंक चार्जेस थे जो मैंने आपको बताया था, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसलिए बाय बैंक चार्जेस लिखकर हम बैंक यहां बैंक वाले कॉलम में ये पैसा डाल देंगे। याद रखना मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस वाला कंसेप्ट जो है वो बैंक के थ्रू ही होता है, कैश की फॉर्म में नहीं होता। तो आप कहीं कंफ्यूज हो कि
हम लोग तो कैश के थ्रू ये एंट्री करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी। अब देखो, अब यहां पर फिर से हमने सारी ट्रांजेक्शन्स कर दी हैं, तो अब क्या बात आती है, अब बैलेंसिंग की बात आती है। अब अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो सबसे पहले हम कैश की बैलेंसिंग करेंगे। कैश वाले कॉलम की डेबिट साइड को मैंने ऐड किया तो वो 5500 टोटल आया। जब मैंने क्रेडिट साइड माइनस की तो 1050 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जिसे हम ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, वो मेरी क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। किसकी आई है? कैश की। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, हम अगर देखें बहुत ही ध्यान से तो देखने पर ही पता चल रहा है मुझे कि मेरे बैंक की डेबिट साइड पर ही बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, क्योंकि ये मैंने लिखा हुआ है, इसको एक बार भूल जाओ। तो देखो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है जो डेबिट साइड पर आई है, बाकी तो सारी है ही क्रेडिट साइड पर। तो इसका मतलब जो बैंक है, जब हम उसकी बैलेंसिंग करेंगे तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही लेकर आएगा। तो दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कुछ इस तरह से बैलेंसिंग हो जाएगी और बैलेंस इसका डेबिट साइड पर निकल आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बैलेंसिंग आपको समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, अमाउंट का टोटल किया, जो यहां था डेबिट में उसे माइनस कर दिया, मतलब हमने एक तरीके से ये टोटल बराबर करने होते हैं। तो देखते हैं जिस साइड कमी होती है उस साइड वो अमाउंट लिख देते होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन चाहे थोड़ा सा लंबा रहा है लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, आपको जरूर ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी जरूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो भी जरूर रेफर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।